दवाइयां अब महंगी मिल रही हैं। आम आदमी का खुद को स्वस्थ रख पाना लगातार महंगा होता जा रहा है। गैस, सर्दी, बुखार, खांसी जैसी आम बीमारियों की दवाएं अब ज्यादा कीमत पर मिल रही हैं। इतना ही नहीं, बीपी, शुगर के मरीज की रोजाना दवाइयां भी उनकी पहुंच से दूर होती जा रही हैं। कोरोना काल में दवाई कंपनियों ने कई ऐसी दवाइयों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि की है, जिसका सीधा असर मध्यम वर्गीय ग्राहकों पर पड़ रहा है। जो हम एक दवा लेते थे बीटा कार्ड AM, हाँ, वो 10 टैबलेट का था। उसका कीमत आज से करीब 4 साल पहले मात्र 9 रुपये था, जबकि अभी जो है सो उसका कीमत 28 रुपया या 30 रुपया के लगभग है 15 टैबलेट का। और उसके बाद एक और हम लेते हैं आपका मोडलिप ASG 75 mg, उसका भी कीमत पहले शायद 18 या 20 रुपये था, अभी 28-30 रुपया के लगभग हो गया है। ये दवा हम कंटिन्यू करीब आज नियर अबाउट 4-5-6 साल से खा रहे हैं। हाँ, लगातार उसमें इंक्रीज़ होते जा रहा है, बढ़ोतरी हो रही है दवा में, जिसका प्रभाव जो है सो हम लोगों के ऊपर तो ज़्यादा पड़ता ही। दवाइयों की कीमत बढ़ने से न सिर्फ आम जनता परेशान है, बल्कि खुदरा दवा दुकानदार भी इससे खासा परेशान हैं, क्योंकि नई कीमत को लेकर दुकानदारों को अक्सर ग्राहकों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। जैसे ऐसे लोग हैं जो कोल्डी है, हेमलोडेक 80 है, बीपी का दवा है, हाँ बीपी का है, हाँ शुगर का है, ताकत वाला दवा दिखा रहे थे, डेक्सो क्या? डेक्सो रेंज, हाँ सब काफी बढ़ते जा रहा है। आप लोगों को क्या परेशानी होती है? दाम बढ़ता है तो कस्टमर लोग ने झंझट करता है। दवाइयों की ओवर प्राइसिंग एक बड़ी समस्या है। MRP से ज्यादा प्रिंट करके दवाइयों में 80% तक छूट दी जाती है, लेकिन कई ऐसे दुकानदार भी हैं जो MRP की कीमत ग्राहकों से वसूलते हैं। दवाइयों की कीमत को लेकर औषधि नियंत्रक का मानना है कि जरूरी दवाओं की कीमत नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी तय करती है और अन्य दवाइयों की कीमत दवा कंपनियां निर्धारित करती हैं। राज्य औषधि नियंत्रक का दवाइयों की कीमत तय करना या उसकी कैपिंग में कोई भूमिका नहीं होती। अभी तो हमारे लिए कहना बहुत आसान नहीं है कि कितनी दवाओं का दाम बढ़े हैं, लेकिन जहाँ तक दवाइयों के दाम के बारे में बात होती है तो दवाइयों के दाम का निर्धारण ये NPPA जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के द्वारा जो एक एसेंशियल ड्रग लिस्ट होती है, जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के अंदर कवर होती हैं, उनका प्राइस का निर्धारण किया जाता है। और अगर कोई भी दवा दुकान या कोई भी आदमी को दवा MRP के ऊपर बेची जाए तो उस पे हमारे यहाँ से कार्रवाई की। वजह जो भी हो, लेकिन इससे परेशानी सिर्फ आम आदमी को हो रही है। एक तो कोरोना काल में आमदनी वैसे भी कम है, ऊपर से दवाइयों के लगभग दोगुने हो चुके दाम आम आदमी को बेजार कर रहे हैं। उपेंद्र कुमार, ETV भारत, रांची।